महासमुंद जिले के सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी आदेश में बताया गया है कि कलेक्टर महासमुंद द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी सरायपाली डॉक्टर अमृत रोहलेडर के विरुद्ध अपना निजी क्लिनिक में अवैधानिक रूप से सोनोग्राफी मशीन रखकर महिलाओं के गर्भ परीक्षण और प्रसव कराने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जाँच अनुभागीय अधिकारी सरायपाली से कराई गई थी। जाँच के दौरान शिकायत सही पाई गई के आधार पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने और अनियमितता की वजह से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के विपरीत पाया गया। इसी आधार पर अधिनियम 1966 के नियमों के तहत डीएफओ सरायपाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि निलंबन अवधि में अमृत रोहलेडर का मुख्यालय मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी महासमुंद होगा, जहां बगैर पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति के उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया। इस दौरान निलंबित अवसर पर जीवन निर्वाह भत्ता देय होने की बात आदेश में कही गई है। राज्यपाल के आदेशानुसार अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है। मामले को लेकर जब महासमुंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के परदल से दूरभाष पर चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि इस आशय का कोई आदेश उन तक नहीं पहुंचा है। इधर सोशल मीडिया में बीएमओ के निलंबन की खबर पहुंचते ही सरायपाली नगर में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि सरायपाली बीएमओ के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जीत तिवारी की रिपोर्ट, महासमुंद छत्तीसगढ़। धर्मनगरी में 9 जुलाई दिन मंगलवार को विधायक भुवनेश्वर बघेल ने शहर के विभिन्न वार्डों में चौपाल लगाकर वार्डवासियों की समस्या सुनी। आज की चौपाल की शुरुआत सुबह वार्ड नंबर 20 भुरवा टोला मलिन बस्ती के आंगनवाड़ी केंद्र में चौपाल लगाकर की गई, जहां पर वार्डवासियों ने विधायक श्री बघेल को सड़क, नाली, पानी और साफ सफाई व मकान के ऊपर पुरानी मांग, छत में ग्रिल लगाने जैसी मूलभूत समस्या से अवगत कराया। इस आशय से पूर्व विधायक सरोजनी बाजरे को भी अवगत कराया गया था, लेकिन आज पर्यंत इसका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि छत में ग्रिल या किसी तरह का सपोर्ट नहीं होने की वजह से कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा राशन कार्ड व घास भूम पर काबिज लोगों ने मकान के पट्टे की मांग भी की, जिसे सुनकर विधायक बघेल ने जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। चौपाल के दौरान वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद लक्ष्मी सांडिल की कार्यप्रणाली पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विधायक श्री बघेल से उनकी शिकायत की, जिसे गंभीरता से लेते हुए पार्षद को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की समझाइश दी गई। इसके बाद वे वार्ड नंबर 21 कंडरापारा, वार्ड नंबर 22 एवं 23 ठेठवार पारा, वार्ड ढिपरा पारा भी गए और वार्डवासियों की समस्या सुनी तथा शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इन वार्डो में भी पानी, सड़क, नाली व साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखाई पड़ी, जिसे पूरा करने के लिए वार्डवासियों ने विधायक भुवनेश्वर बघेल से गुहार लगाई। इसके अलावा ढिपरा पारा में घासीराम ठेठवार द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण कर खातू का गड्ढा निर्माण की शिकायत पर तत्काल उसे नोटिस जारी करने के निर्देश पालिका कर्मचारी को दिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और मैं यहाँ 15 साल के बाद डोंगरगढ़ में कांग्रेस पार्टी का विधायक बना है, तो एक इच्छा जागृत हुई कि जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम करें। तो व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है 15 साल से, उसको धीरे धीरे जाके ठीक करेंगे। बहुत सारी, अभी 2-3 वार्ड से मैं भ्रमण करके आया हूं, तो बहुत सारी समस्या, जैसे यहां नजूल भूमि होने के कारण, कई वन भूमि होने के कारण यहां पर कई लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया, तो उनको बहुत सारी लाभ शासन की नहीं मिल पा रही है, उस पर अपन प्रयास करेंगे। और नाली की समस्या है, इधर अटल आवास में बहुत सारी समस्या वहाँ पर देखने को मिली, और सब समस्या को निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है अटल आवास में, उसको भी हम लोग उसका जांच करा के उसको अच्छे से दुरुस्त कर सके, ऐसा काम करेंगे। किस स्तर तक के मतलब निराकरण इनका हो पाएगा? अभी तो नगर पालिका का क्षेत्र है, नगर पालिका के सीएमओ के साथ बैठ के जो उनके स्तर का होगा उनके तक करेंगे। बाकी जो मेरे स्तर का रहेगा, मंत्री जी के स्तर का रहेगा या सीएम साहब के स्तर का रहेगा, तो उसको मैं सीएम साहब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और समस्या को। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जिसमें नगर के छोटे छोटे बच्चे भी शराब के अवैध रूप से नगर में शराब बेच रहे हैं। नगर में सुबह व रात्रि 10 बजे के बाद 60 रुपए का देसी पौवा, 100 रुपए व गोवा 80 रुपए का, जो 120 से 130 रुपए में खुलेआम बेचा जा रहा है। सरकारी शराब भट्टी अपने नियम अनुसार एक निश्चित समय में खुलती है व बंद होती है। शराब कोचिए खुलने से पहले व बंद होने के बाद शराब बेचने का गोरख धंधा चलाते हैं। नगर के शहर के चौक चौराहे में इस कार्य को लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा है। सुबह देर रात तक शराब बेची जाती है। इस अवैध शराब के मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन खुद को अनजान समझ रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश शर्मा के साथ कैमरामैन अखिल की रिपोर्ट, डोंगरगढ़।
भारत सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। साजा के ग्राम पंचायत बरगड़ा के नारायण साहू के घर के सामने पूरी नाली में गंदा पानी जमा हुआ है, जिसके लिए निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए गए नाली निर्माण को बीच में रोक दिया गया है। नारायण साहू का नाम मुआवजा सूची में नहीं होने के कारण भूमि अर्जन नहीं किया गया है, जिसके कारण मकान को नहीं तोड़ा गया है। जिन लोगों ने अपनी जमीन को नाली निर्माण में नहीं दिया है उनका नाम मुआवजा सूची में है, लेकिन जो अपनी जमीन नाली निर्माण में देने को तैयार है उनका नाम ही मुआवजा सूची में नहीं है। कई बार साझा SDM कार्यालय में और बेमेतरा कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन करने के बाद भी नारायण साहू की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। वहीं PWD के SDO RL पटेल का कहना है कि भूमि अर्जन करने में टेक्निकल पेच है, नारायण साहू का नाम मुआवजा सूची में आ जाता है तो 4 दिन में ही नाली बना दी जाएगी। बारिश शुरू हो गई है और पानी जाम होने से कई बीमारियां गांव में फैलने की आशंका है। बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरे नाली का समस्या सर, विभाग वाले जो ये नाली बनाया है वहाँ तक निर्माण अधूरा छोड़ दिया मेरे को। तो आपको मुआवजा या कुछ नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला सर मेरे को? बाकी के समय बाकी कहा गया लेकिन मेरे को पास कुछ नहीं है। आप आज कागज देगा, आज मैं तैयार हूँ मकान तोड़ने के लिए। तो आपको आने जाने में बहुत समस्या हो रही है? समस्या सर, इसमें कीड़ा मकोड़ा पूरा हगरी मुत्री का पानी पूरा यहीं पर आता है सर, और नान नान लेकर मेरे को फोड़ा हो गया है। तो शासन से आप क्या चाहते हैं? शासन से आप निराकरण किया जाए, जो लिया उसको बनता है वो आपका निर्णय हिसाब से लिया जाए। हम स्वयं से दोनों सहमति है, आज कागज भी दोगे तो भी तैयार है, अपन ऐसे नाली मुड़का के लगे तो भी तैयार है। तो आप अपनी बिल्डिंग को तो कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। जैसे गांव वाले को सबको नोटिस दिया है और मुआवजा दिया है, उसी प्रकार हमको भी दिया, हम तैयार हैं सर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, साझा। नगर पंचायत धमधाई इलाके के हनुमान बावली तालाब पर शत्रुघ्न यादव प्रतिदिन के अनुसार सोमवार को भी नहाने गया था। वह शराब पीने का आदि है। जब घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की तो वहीं सुबह तालाब पर शव नजर आया। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा विवेचना कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना की जाँच आरम्भ कर दी है। नगर पंचायत इलाके के हनुमान वाली तालाब में लाश को देख कर कौतूहल का विषय बन गया है। काफी संख्या में ग्रामीण देखने के लिए पहुँच गयी। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा पश्चात विवेचना प्रारम्भ कर दी है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, धमधा, छत्तीसगढ़। धमधा थाना इलाके के ग्राम मोटवानी में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर नाबालिग की माता ने धमधा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। धमधा थाना में जैसे ही नाबालिग पीड़िता की मां प्रार्थी की मां ने रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत कर पास्को एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं के साथ आरोपी चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। धमधा थाना इलाके के ग्राम मोटवानी के युवक चंद्रशेखर वर्मा, जो कि अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग युवती के साथ बीते कई महीनों से अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ कर रहा था, सब का बांध टूट जाने से पीड़िता की मां ने बतौर रिपोर्ट दर्ज कराई। धमधा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया है। कौन छेड़छाड़ किया? क्या रिपोर्ट दर्ज कराया आप लोग? पूरा घटना बताइए, क्या क्या हुआ था, पूरा घटना बताइए। कब की बात है, क्या बात हुआ था? दो तीन बार हो गए, कल से पता लग चली सुन बताई से फिर बुखार लग रही हूँ। 6 बजे गई, 6 बजे घंटा गया, खबर उखर पत्नी यहाँ की मारपीट करी घर में की पुलिस ने। कल गांव बैठक भी हुआ था? हाँ, दो चार सरपंच सरपंच बुलवाए रहे ना, कैसे टाइप में मार दी घर घुस के, मैं अकेला मुर लेकर ही ऐसे टाइप में सरपंच से बुलाए रहे। बैठक में क्या हुआ था? बैठक में कुछ नहीं, मैं इसका कुछ समझा नहीं सकूँ, कुछ भी घर परिवार में जाके उसके यहाँ कुछ भी रिपोर्ट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, और कल हमने समझा सका नहीं थे कि जैसे पर माँ बाप मन सरपंच है जाकर। पड़ोस की लड़की छेड़छाड़ करता है, इस संबंध में आज पीड़िता की माँ थाने आई है अपने रिश्तेदारों के साथ। उसने ये बताया कि आज से 2 महीना पहले से जब पीड़िता स्कूल जाती थी और आती थी तो उसका पीछा करता था, पीछा करते करते और उसको छेड़छाड़ करता था, क्योंकि आरोपी पीड़िता प्रार्थिया के घर के पास में रहती है, पड़ोस में। जब भी वो बाहर निकलती थी तो उसके साथ में अश्लील हरकतें करता था और उसको लव लेटर लिखता था और उसके घर में ले जाके फेंक देता था। इस बात की जब जानकारी प्रार्थिया को हुई तो इसने लड़के को समझाने का प्रयास की, लेकिन लड़का माना नहीं और पीड़िता के पीछे लगा रहा।
इस बात को उन्होंने गांव के सरपंच और गणमान्य नागरिकों को बताया तो उन्हें भी समझाया कि भाई पड़ोसी हो आप पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो विधवा है और मजदूरी करती है। तो भी आरोपी ने नहीं माना और उसके पीछे लगा रहता था। आज वो परेशान होकर के थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ हमने छेड़छाड़ का और पास व्यक्ति का कार्रवाई की है। उसके खिलाफ जांच करने के बाद उसको अरेस्ट करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, धमदाह छत्तीसगढ़। देवकर नगर पंचायत क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर डेहरी मोड़ के पास से गुजर रही ट्रैक्टर से विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही मारुति 800 कार जा टकराई, जिससे चालक सहित दो अन्य कार सवारों को मामूली चोट आई है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार सुबह 10 बजे की है, जिसमें स्थानीय किसान की ट्रैक्टर साइड से पास कर रही थी। इतने में तेज गति से आकर कार ने ठोकर मार दी, जिससे कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं कार में सवार लोगों में आकाश व रमेश ने बताया कि वे इंडियन मेडिकोज व फर्म में काम करते हैं। रोजाना की तरह वे आज बेमेतरा जिले में दौरे पर थे, जिसमें वे नगर देवकर देवर बीजा बेमेतरा सहित नवागढ़ मेडिकल दवाई का सामान लेकर जा रहे थे, जो बीच रास्ते में ही बुरी तरह फंस गए। बेमेतरा जा रहे थे, रास्ते में ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर कट मारने के चक्कर में एक्सीडेंट। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग गुरु में रहते। क्या काम करते हो? दवाई मेडिकल एजेंसी। कहाँ जा रहे थे? अभी हम लोग दवाई सप्लाई करते हुए बेमेतरा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, धमदाह छत्तीसगढ़। राजनंदगांव की सहकारी बैंक के संचालक मंडल को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। कर्ज माफी का लाभ पहुंचाने में अड़चन पैदा करने के आरोप के चलते 3 करोड़ की अनियमितता का भी आरोप रायपुर से लगा है। कर्ज माफी के बाद भी किसानों को इसका लाभ न दिलाने से रोकने और आर्थिक अनियमितता के मामले सामने आने के बाद पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने राजनंदगांव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के संचालक मंडल को भंग करने नोटिस भेजा है। संचालक मंडल को 31 जुलाई तक जवाब देना होगा। इस दौरान संचालक मंडल कोई भी फैसले नहीं ले पाएगा। सभी तरह के बैंक के फैसले कलेक्टर की अनुमति के बाद ही लिए जाएंगे। पंजीयक ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की उपधारा 10 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला है जिसमें रजिस्ट्रार ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया हो। जिला सहकारी बैंक मर्यादित राजनंदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पंजीयक ने संचालक मंडल के खिलाफ 7 पेज का आरोप पत्र बनाया है, जिसमें 4 प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में लिखा है कि संचालक मंडल के गलत फैसलों के चलते बैंक को करीब 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि संचालक मंडल ने जानबूझकर 18,000 किसानों को सही समय पर कर्ज माफी का लाभ नहीं लेने दिया, जिससे वो नए ऋण समय से नहीं हासिल कर पाए। बाद में संज्ञान में आने के बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिलाया। पंजीयक सहकारी संस्था ने इस बारे में रिजर्व बैंक को भी जानकारी दे दी है। सचिन बघेल रमन सिंह के करीबी हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में लाभ दिलाने के लिए किसानों के कर्ज माफी के फैसले को बैंक के संचालक मंडल ने लटकाए रखा। पहला आरोप रिजर्व बैंक के हवाले है, जिसमें बताया गया कि संचालक मंडल ने 2014-15 में नियम के विरुद्ध तरल संधारण में चूक की, जिसके चलते बैंक पर पहले 1.5 करोड़ रुपए का दंडात्मक ब्याज लगाया गया, बाद में इसे कम करते हुए करीब 85 लाख कर दिया गया। दूसरा आरोप है कि बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बोर्ड के सदस्य सोसाइटी आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित गेंदा टोला के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। तीसरा आरोप है कि बैंक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति में रिजर्व बैंक के निर्देशों के खिलाफ जाकर इसके तहत अपात्र व्यक्ति को कार्यपालन अधिकारी बनाए रखा गया, जिससे बैंक में आर्थिक गड़बड़ी हुई। संचालक मंडल पर चौथा आरोप है कि अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना में क्रियान्वयन में गड़बड़ी की, जिससे किसानों को सही समय से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया और उन्हें खरीफ के लिए नया ऋण समय से नहीं मिल पाया। इससे बैंक को काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। भानु प्रतापपुर तहसील कार्यालय के ठीक सामने स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात सातिर चोरों ने आधी रात को सेंध लगाकर लाखों के आभूषणों समेत दान पेटी की नकदी उड़ा दी। मंदिर के पुजारी आज सुबह जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने टूटे ताले देखे और तत्काल मंदिर प्रबंधन एवं पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें पता चला है कि दान पेटी सहित भगवान पर अर्पित समस्त आभूषणों को चोर ले गए, जिससे नगर के धर्मावलंबियों में आक्रोश व्याप्त है। आभूषण की कीमत लगभग 2 लाख के करीब बताई
जा रही है। इससे भानु प्रतापपुर में पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान उठ गए हैं, क्योंकि मंदिर की दीवार के पीछे स्थित ट्रेजरी की सुरक्षा हेतु भी पुलिस बल 24 घंटे तैनात रहता है। हनुमान मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर भानु प्रतापपुर का थाना स्थित है। इतने नजदीक थाना होने के बाद भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जो निश्चित रूप से पुलिस की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। हालांकि पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है। थाना प्रभारी शशिकला उइके ने बताया कि अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है, शीघ्र चोर पकड़ लिए जाएंगे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।